वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है यह आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका सीबीएसई क्लास 10th टर्म 2 का रिजल्ट कब आएगा, या फिर कह सकते हैं आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि फाइनल रिजल्ट में कैसा उनका वेटेज होगा, क्या टर्म 1 लिया जाएगा, टर्म 2 लिया जाएगा, या उनका कम्बिनेशन लिया जाएगा। तो सभी चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपका जो ये कन्फ्यूज़न है 100% दूर हो जाएगा। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपका ये टर्म 1 या फिर टर्म 2 का जो रिज़ल्ट है, अभी इस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है कि हम किसको प्रीफर करेंगे। स्टूडेंट डिमांड ये कर रहे हैं कि सर बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, यानी कि या तो टर्म 1 का रिज़ल्ट आपको दे दिया जाए या फिर टर्म 2 का दे दिया जाए, जिसमें भी आपका क्या है बेस्ट है। बेस्ट मतलब जिसमें हमारा बेस्ट नंबर आ रहा है उसका रिजल्ट ही हमें दिया जाए, ऐसा स्टूडेंट्स का डिमांड है। और सीबीएसई भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है, सीबीएसई के दिमाग में ये चल रहा है कि पहले सीबीएसई ने एक पैनल बना रखा है। पैनल में कहने का मतलब कि कुछ जो आपके सीबीएसई के ऑफिसर्स हैं, जो सीबीएसई के ऑफिसर्स हैं या फिर जो सीबीएसई बोर्ड में जो उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाया है। उस कमेटी का मुख्य काम यही है कि वो कमेटी डिसाइड करेगी कि हमें जो सीबीएसई बोर्ड का आपका फाइनल रिजल्ट है वो कैसा होगा, टर्म 1 से बनेगा कि टर्म 2 से बनेगा, किसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, किसका वेटेज कम रहेगा। उनका ये डिसीजन है कि अब उस पैनल को ये डिसाइड करना है कि हमें रिजल्ट किस बेसिस पे डिक्लेयर करना है। और वह पैनल तभी डिसाइड कर पाएगा जब उसके पास टर्म 2 का रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब कि टर्म 1 का रिजल्ट आप सभी स्टूडेंट को मिल चुका है और सभी लोगों ने देख लिया है, लेकिन टर्म 2 की कापियाँ अभी चेक हो रही हैं, इसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो जब टर्म 2 की सभी कॉपीज चेक हो जाएंगी, सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बन जाएगा, तो बोर्ड टर्म 2 के रिजल्ट और टर्म 1 के रिजल्ट दोनों को कंपेयर करेगा। बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो यह देखेंगे कि किस में स्टूडेंट्स का रिजल्ट बेटर रहा है, टर्म 1 में रहा है कि टर्म 2 में रहा है। लेकिन टर्म 1 के साथ एक कह सकते हैं कि एक डिमेरिट ये है कि टर्म 1 जब हुआ था तो उस समय ऐसा न्यूज आया था कि बहुत सारे स्कूलों में मतलब कि मनमानी चला था। कहने का मतलब कि थोड़ा सा इसमें कुछ नकल भी कह सकते हैं, नकल हुआ है या फिर कुछ है, मतलब कि एमसीक्यू होने की वजह से यह जो पेपर है उतना फेयर तरीके से टर्म 1 नहीं हुआ था। तो टर्म 1 के साथ बस यही डिमेरिट है। और टर्म 2 जो है यह बोर्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है, यह सेंटर्स पे हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हुए हैं, इसमें कोई ऐसा मिसबिहेव देखने को नहीं मिला है। तो अब बस बोर्ड को यही डिसाइड करना है कि हम किस पे जाएं, टर्म 1 पे जाएं या टर्म 2 पे जाएं। और बोर्ड किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि अगर सभी स्टूडेंट्स का जो टर्म 1 टर्म 2 का रिजल्ट है किसी कारणवश आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस टर्म 2 में बहुत ही ख़राब हो, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टर्म 2 में फेल हो रहे हो, तो हो सकता है कि बोर्ड डिसाइड करे कि हम टर्म 1 के रिज़ल्ट को प्रीफर करेंगे। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि टर्म 1 के साथ एक डिमेरिट ये है कि टर्म 1 का जो रिज़ल्ट है उसको काफ़ी अनफेयर तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को कंबाइन करके ही दिया जाएगा, या फिर जिस सब्जेक्ट में, हो सकता है कि सब्जेक्ट वाइज भी दे दिया जाए। बच्चे कुछ ऐसा भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा मानिए मैथ्स का अगर पेपर की बात करें तो बच्चों की यह डिमांड है कि हम मैथ्स के हम दो एग्ज़ाम दिए हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, तो बच्चों का ये कहना है कि या तो हमें जिसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 जिसमें हमारा बेस्ट हो उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, और मेरा यही मानना है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो दोनों को कंबाइन करके ही बनाया जाएगा, टर्म 1 प्लस टर्म 2 को। तो आप इतना टेंशन ना लें कि हमारा रिजल्ट बहुत कम आएगा, हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी स्टूडेंट पास होंगे और 100% पास होंगे। थैंक यू।